जालौर के रामसीन में भूमिया राजपूत समाज का संभाग स्तरीय महासम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें केसरिया साफा पहने हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने राजनीतिक तौर पर ताकत दिखाई। देखिए ये खास रिपोर्ट। जालौर के रामसीन में आयोजित हुए भूमिया राजपूत समाज के संभाग स्तरीय सम्मेलन की प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चर्चा देखने को मिली। रामसीन में भूमिया राजपूत समाज का महासम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। तो वहीं प्रदेश में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भूमिया राजपूत समाज ने महासम्मेलन के जरिए कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों को समाज की राजनीतिक ताकत दिखाई। महासम्मेलन में पहुंचे हजारों लोग एक ही जैसे केसरिया रंग के साफे पहने नजर आए। महासम्मेलन को समाज के नेताओं सहित कई समाज बंधुओं ने संबोधित किया, जिसमें कहा कि भूमिया राजपूत समाज की प्रदेश में संख्या भी अधिक है और भूमिया राजपूत समाज का प्रदेश में कई सीटों पर प्रभाव है। हाल ही में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भीनमाल सहित कई सीटों पर भूमिया राजपूत समाज के नेता कांग्रेस और भाजपा दोनों में टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। महासम्मेलन में साधु संतों ने भी शिरकत की। काफी लंबे समय से मांग है, उसको लेकर ये महासम्मेलन समाज के वरिष्ठ लोग थे वो चिंतन कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि इस कार्यक्रम का असर और हमारी जो आवाज बीच में दब जाती थी वो जरूर जयपुर और दिल्ली तक पहुंचेगी। केसरिया साफा देख के पार्टियों को तो वैसे ही पूरा संदेश, आजकल पार्टी सारा फोकस रखती है तो सारा पार्टियों को पता ही है, हमारे वक्ताओं ने जो भाषण दिए वो सारा सुन लिया है, तो संदेश यही है कि हमारी समाज को का अगर कोई मान सम्मान करेगा तो हम सब इनके साथ में रहेंगे। अगर हमारी समाज को जो भी पार्टी एक बार नकारेगी तो समाज के साथ में नहीं रहेंगी, पूरा समाज इसके साथ में नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि भूमिया राज के 50,000 वोट हैं तो वो 50,000 तक सीमित है। अगर हम 50,000 पर हैं तो हम लाख पर प्रभावित करते हैं, हम लाख वोटों को प्रभावित करते हैं। हम जहाँ चाहते हैं, जिसको चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ते हैं, क्योंकि हम उनके काम आते हैं। हमारे समाज के लोग हर किसी वर्ग के काम आते हैं। रामसीन में आयोजित हुए भूमिया राजपूत समाज के संभाग स्तरीय महासम्मेलन में भूमिया राजपूत समाज ने एकता का बड़ा संदेश दोनों पार्टियों को दिया। कांग्रेस और भाजपा सहित कई पार्टियों के नेता समाज के मंच पर एक साथ नजर आए। भूमिया राजपूत समाज के नेताओं ने महासम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जो पार्टी समाज के व्यक्ति को टिकट देकर आगे बढ़ाएगी, समाज एकता दिखाते हुए उस पार्टी के साथ नजर आएगा। भूमिया राजपूत समाज के संभाग स्तरीय महासम्मेलन में कांग्रेस नेता ओम सिंह राठौड़, भाजपा नेता टीकम सिंह राणावत, भूमिया राजपूत समाज के जिलाध्यक्ष वरद सिंह पाथेड़ी, महेंद्र सिंह राणावत, गुजरात के पूर्व विधायक गुलाब सिंह, गुजरात कांग्रेस के महासचिव डीडी राजपूत सहित हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। लुणाराम दर्जी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जालौर।